Assalamu alaikum students, I am your English teacher Miss Rabia here. Today we are going to start a new unit of English Book 7, Unit number 5, Environmental Education, Maholiyati Taleem, page 74. In this video, we will learn about the weather. You will listen a weather report. You will also learn about present continuous tense. Students, in this video, I am going to solve all the activities which are mentioned on page 75 to page 80. Let's start. Page 75, the weather. Let's see what is the weather. Weather describes the state of the atmosphere, including temperature, atmospheric pressure, wind, humidity, precipitation, and cloud cover. It impacts the way people dress each day and types of structure built. वेदर यानी कि मौसम क्या है. मौसम जो है वो माहौल की हालत को बयान करता है, दर्जा हरारत को बयान करता है, माहौल का दबाव, हवा, नमी, वजन और बादल वगैरह का जो है वो इहाता करता है. और ये बताता है कि हर रोज लोगों के लिबास पहनने के तरीके कि वेदर के अकॉर्डिंगली लोगों के किस तरह से लिबास होते हैं, वो लिबास कैसे पहनते हैं. आर यू फेमिलियर विद दीज वेदर सिंबल्स. अब आपके पास पेज 75 पर कुछ वेदर आइकन्स हैं या वेदर सिंबल्स इनको कहा जाता है. आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप इनसे फेमिलियर हैं. अक्सर इनमें से आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखे होंगे. ठीक है, कैन यू टेल द मीनिंग्स ऑफ दीज सिंबल. अब कह रहे हैं कि आप इनमें से इनके सिंबल्स के कुछ के मीनिंग्स क्या बता सकते हैं. तो हो सकता है कि आप में से इन कुछ सिंबल्स के मीनिंग्स आपको आते हों. बाकी सारे इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर बताऊंगी. वेयर यू फाइंड द वेदर सिंबल्स. अब आपसे पूछ रहे हैं कि ये सिंबल्स आपको कहाँ पे दिखाई देते हैं. देन व्हाट डू यू थिंक शुड बी द वेदर सिंबल फॉर टुडे. और फिर पूछा जा रहा है कि आज की वेदर कंडीशन को देखते हुए आपने बताना है कि कौन सा वेदर सिंबल जो है वो आज की वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए. ठीक है, पहले हम जरा इस एक्टिविटी 1 को देख लेते हैं. पेयर अप एंड डिस्कस विद योर पार्टनर द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स. अगर लेफ्ट साइड पे आप देखें, ए से हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे सन बना हुआ है, तो ये हमारा सिंबल शो करता है सनराइज को, यानी कि सनी डे को ये शो करता है आइकन और ये सिंबल. बी पे आप देख लें, बी पे देखें, बी में सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है, तो ये सनसेट को शो कर रहा है. नेक्स्ट इज सी. सी में देखें कि रेन के ड्रॉप्स आपको नजर आ रहे हैं, ऊपर क्लाउड है और फिर उससे ऊपर सन भी है, तो ये शो कर रहा है मिक्स रेन के, रेन है और सन भी निकल रहा है, फिर रेन भी है, कभी सन निकल रहा है, कभी बारिश हो रही है. नेक्स्ट डी पे आ जाएं, इसको कहेंगे हम पार्टली क्लाउड. पार्टली क्लाउड का ये आइकन है. नेक्स्ट इज ई. ई का जो सिंबल है वो रेन, वो जो है एक्सपेक्ट कर रहा है ड्रिजल को. एक्सपेक्ट ड्रिजल टुमारो मॉर्निंग, कि आने वाली सुबह को ड्रिजल जो है एक्सपेक्ट कर रहा है. नेक्स्ट हमारे पास एफ में जो है सिंबल, ये हैवी थंडर स्टॉर्म टुमारो, हैवी थंडर स्टॉर्म, ठीक है, इसको शो कर रहा है. नेक्स्ट बढ़े जी की जानेब. अब जी में आप देख रहे हैं कि साथ साथ रेन ड्रॉप्स भी आपको नजर आ रहे हैं, तो थंडर स्टॉर्म एंड रेन मिक्स को ये शो कर रहा है. नेक्स्ट वन इज एच. एच के आइकन को देखें, इट्स एक्सपेक्ट मोर स्नो टुमारो, ठीक है, इट्स एक्सपेक्ट स्नो. ये नीचे निशान से बने हैं स्टार टाइप, ये स्नो को शो कर रहे हैं. नेक्स्ट इज आई. आई शोज हैवी रेन, हैवी शॉवर्स. नेक्स्ट इज जे. जे इज गोइंग टू बी क्लाउडी इन आफ्टरनून, इट शोज क्लाउडी वेदर. नेक्स्ट वन इज के. हेज जो है वो हेज का सिंबल है, यानी के धुंध को शो कर रहा है, धुंध. नेक्स्ट इज एल. एल शोज फास्ट ब्लोइंग स्नो. एम में मून स्टार्स आपको नजर आ रहे हैं, तो इट शोज क्लियर डे. इट शोज के अगला जो दिन है वो साफ सुथरा होगा, क्लियर होगा, कोई बारिश वगैरह, कोई बादल वगैरह नहीं होंगे. नेक्स्ट इज एन. एन में देखें, अब साथ क्लाउड भी मेंशन हो गया है, तो इसका मतलब है पार्टली क्लाउड नाइट. ओ. ओ का मतलब है लाइट रेन. पी. इट शोज स्नोई. स्नो को शो करता है ये आइकन, यानी कि बर्फबारी. अब क्यू सिंबल पे आ जाएं, इट शोज टोर्नेडो डस्टी, यानी कि मिट्टी का तूफान.
आपने शायद देखा हो कि बहुत डस्ट वाला तूफान होता है, वो गोल सा चक्कर एक सर्कल सा बना लेता है और उसके गिर्द घूमता रहता है। नेक्स्ट इज आर, इट शोज विंडी। एस शोज टेम्परेचर, हॉट और कोल्ड टेम्परेचर आइकन्स हैं ये। टी जो है, टी ऑल्सो शोज विंडी, इसका भी मतलब है विंडी। नाउ वोकैबुलरी, द आइकन्स अबव शोज सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड वेदर सिंबल्स। फाइंड आउट द सिंबल दैट फिट्स द डिस्क्रिप्शन बिलो। राइट योर आंसर ऑन द स्पेस प्रोवाइडेड। स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास कुछ वेदर सिंबल्स थे जिनके हमने मीनिंग डिस्कस किए। अब हमारे पास वेदर की डिस्क्रिप्शन मौजूद है और हमने बताना है कि वो इन सिंबल्स में से किसके साथ फिट करती है, यानी वो किसकी डिस्क्रिप्शन है इन सिंबल्स में से, यानी दोनों पार्ट्स जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। फर्स्ट वन इज एक्सपेक्ट मोर स्नो टुमारो। अब इन आइकन्स में से एच पे आ जाएं। एच के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये स्नो को शो कर रहा है, तो जो एच वाला आइकन है वो आप यहाँ पे ड्रा भी कर सकते हैं, या एच की ऑप्शन जो है वो यहाँ पे उसका नंबर जो है वो अल्फाबेट इसके साथ लिख दें। नेक्स्ट इज इट विल बी विंडी ऑल डे। हमारे पास जो टी का सिंबल है वो इसको शो करता है कि कल जो है या सारा दिन जो है वो विंडी रहेगा। नंबर थ्री अलर्ट, अ हरिकेन इज एक्सपेक्टेड टुनाइट। ये डिस्क्रिप्शन है सिंबल आर की। नेक्स्ट इज द सन विल राइज टुडे। ये डिस्क्रिप्शन है ए की। पेज 76, हैवी शॉवर्स आर एक्सपेक्टेड ऑन मंडे। ये आई के आइकन की डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्शन है देयर विल बी अ लाइट शॉवर्स टुमारो। इसका सिंबल है ओ। नेक्स्ट इज इट विल बी डस्टी, क्लोज योर विंडो। इसको आइकन जो है सिंबल क्यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इट्स गोइंग टू बी क्लाउडी इन द आफ्टरनून। ये डिस्क्रिप्शन है सिंबल जे की। देयर विल बी मिक्स्ड रेन इन द इवनिंग। ये है हमारी सी की डिस्क्रिप्शन। द टेम्परेचर विल बी हॉट टुडे। ये सिंबल एस रिप्रेजेंट करता है कि आज का टेम्परेचर जो है वो हॉट होगा। मैंने आपको बताया था कि ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज स्कैटर्ड स्नो इज एक्सपेक्टेड टुडे, सिंबल एन। ड्यूरिंग द आफ्टरनून हेज इज फोरकास्टेड टुडे, सिंबल के। एक्सपेक्टेड ड्रिजल्ट टुमारो मॉर्निंग। ये डिस्क्रिप्शन है सिंबल ई की। सनसेट विल बी कमिंग सून, सिंबल बी। देयर विल बी अ हैवी थंडरस्टॉर्म टुमारो। ये डिस्क्रिप्शन है सिंबल एफ की। इट विल बी स्नोई नेक्स्ट वीक, सिंबल पी जो है वो रिप्रेजेंट करता है ये। इट इज अ क्लियर डे टुडे, सिंबल एम। टुमारो विल बी पार्टी क्लाउडी, सिंबल डी। एंड द लास्ट वन इज देयर इज अ फास्ट ब्लोइंग स्नो इन द सिटी। ये डिस्क्रिप्शन है सिंबल एल की। लेट्स टॉक में ग्रुप एक्टिविटीज हैं जिसमें आपने डिस्कशन करनी है, टॉक करना है, ठीक है। ये एक्टिविटीज आपकी क्लास की हैं। नाउ मूव ऑन पेज 77। यूज ऑफ लैंग्वेज। कॉलोकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। कॉलोकेशन इज प्रिडिक्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। प्रिडिक्टेबल का मतलब है मुतवक्का, पेश आने वाली, जिसकी हम तवक्को कर रहे होते हैं। अब कॉलोकेशन क्या है? एक मुतवक्को मजमुआ है अल्फाज का। इट कैन बी मेड अप ऑफ एनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स सच एज वर्ब्स, नाउंस, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। इसमें किसी तरह के भी वर्ड्स हो सकते हैं। वो वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल, वी कैन से हैवी रेन बट नॉट स्ट्रॉन्ग रेन। आपने जब भी रेन से पीछे अगर तेज बारिश की बात हो रही होती है तो आपने हैवी रेन का वर्ड ही सुना होगा, कभी आपने स्ट्रॉन्ग रेन का वर्ड नहीं सुना होगा। यानी कि रेन के साथ जो लिंक बनता है वर्ड का वो हैवी होगा, ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट साउंड राइट। क्योंकि ये दुरुस्त नहीं लगता, आप बोलने में भी देखें और वैसे भी इसकी कुछ सेंस सही नहीं बनती। वी कैन से डू एक्सरसाइज बट नॉट मेक एक्सरसाइज। हमेशा एक्सरसाइज के साथ भी आपने डू का वर्ड ही सुना होगा, मेक एक्सरसाइज का वर्ड आपने कभी नहीं सुना होगा। एक्सरसाइज के लिए हम डू का वर्ड यूज करेंगे। तो ये जो करेक्ट वर्ड्स हैं, ठीक है, प्रिडिक्टेबल हैं जो, इनको क्या कहते हैं? कोलोकेशन। मेक कोलोकेशंस फॉर फाइंडिंग द एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, नाउंस एंड वर्ब्स विच गो विद इट। अब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, और साथ ही हमारे पास हिंट्स हैं। हिंट्स में देखें, लाइट, हैवी, स्ट्रॉन्ग, स्कैटर्ड, ब्लोइंग, फ्रिगेट,
partly, clear, wet, low, high, mostly, icy, etc. ये हिंट्स है, यानी कि इन वर्ड्स में से हमने करेक्ट वर्ड जो है, ये जो हमारे पास कॉलम में गिवन है, एक हमारे पास, तीन हमारे पास कॉलम है, एक में हमारे पास ए बी सी डी अल्फाबेट्स लिखे हैं, सेकंड वाला हमारे पास ब्लैंक है, थर्ड वाले में हमारे पास थंडर स्टॉर्म, ड्रिजल, सनी, सनसेट, यानी कि वेदर्स के बारे में लिखा हुआ है। अब इनके इनके जो कॉलोकेशंस वर्ड्स हैं वो हमने इन हिंट्स में से तलाश करके लिखने हैं। थंडर स्टॉर्म के साथ हम हमेशा स्कैटर्ड मेंशन करते हैं, ड्रिजल के साथ वेट का वर्ड यूज होता है, सनी का जो वर्ड है वो मोस्टली या क्लियर होगा, सनसेट फ्रिगेट, डस्ट, डस्ट से, डस्ट के साथ हम स्ट्रॉन्ग का वर्ड यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग डस्ट, लाइट हेज, पार्टली क्लाउडी, भी पीछे मैंने आपको बताया भी है, क्लियर स्काइज, ब्लोइंग विंड, फ्रिगेट स्नो, हाई या लो टेम्परेचर, आईसी कंडीशंस। Now grammar portion, present continuous. There are various ways you can do to express the future in present continuous tense. Ke future tense, ke future ko aap present continuous tense mein express kar sakte hain. Kisko? Future ko. Yani ke present continuous tense mein aap future ko bhi express kar sakte hain. Kaise? Be going to, will and shall. वैसे तो शेल ओमिट हो चुका है, लेकिन अभी भी बुक्स में आ रहा है, शेल जो लैंग्वेज से खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मेंशन है, तो आपकी बुक्स में अभी तक मेंशन है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि बी गोइंग टू को यूज करते हुए विल और शेल को यूज करते हुए, विल और शेल तो आपको पता है कि फ्यूचर टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब है, ये फ्यूचर टेंस में यूज होता है। उसके अलावा बी गोइंग टू को भी इस्तेमाल करके हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बी गोइंग टू, विल एंड शेल are the easiest to use because of their simple structure. Future continuous is a way to talk about something happening at a given point in the future. Future continuous tense की अगर बात करें तो future continuous tense एक ऐसा way है जिसमें हम आने वाले वक्त में कुछ अगर हो रहा है तो उसकी बात करते हैं। Present continuous में देखें, present continuous का use देखें for fix arrangements. अगर आप कोई अपनी अरेंजमेंट फिक्स कर रहे हैं कि मैं इस मंथ या इस ईयर यहाँ पे जाऊंगा या ये करूंगा, तो वो भी क्या है कि आप फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम कमिंग टू सी यू इन दिसंबर। आप देखें यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, आई एम कमिंग, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब एम, कमिंग यानी के प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज हुआ है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, टू सी यू इन दिसंबर। लेकिन देखें जब दिसंबर की बात हो रही है कि दिसंबर में, अभी दिसंबर आया नहीं, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और फ्यूचर की बात की जा रही है, फ्यूचर को एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो दिस इज द वे टू एक्सप्रेस द फ्यूचर इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नाउ यूज ऑफ गोइंग टू फॉर प्लान्स एंड इंटेंशंस, कि आप कोई चीज प्लान कर रहे हैं, आपको पता है प्लान तो फ्यूचर में होते हैं, ठीक है, तो कुछ भी आप प्लान कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू बाय एन अम्ब्रेला टूमोरो, वी आर गोइंग, अब देखिए आर हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है, वी आर गोइंग टू बाय एन अम्ब्रेला टूमोरो, अब आने वाली कल की बात हो रही है, यानी कि फ्यूचर को एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो आप देखें कि गोइंग टू बी फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास एक और भी है, आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद नेक्स्ट वीक, कि मैं अगले हफ्ते जो है वो इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो ये भी फ्यूचर को एक्सप्रेस किया जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, गोइंग टू को यूज करते हुए। इस तरह से हम गोइंग टू को यूज करके फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो यूज है फॉर प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन व्हाट यू नो और व्हाट यू कैन सी। प्रिडिक्ट अगर आप कुछ कर रहे हैं फ्यूचर में कि ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हुर्रे इट्स गोइंग टू रेन सून, तो देखें गोइंग टू को इस्तेमाल करते हुए अगेन फ्यूचर को एक्सप्रेस किया जा रहा है, कोई अभी बारिश नहीं हो रही लेकिन कहा गया है कि इट्स गोइंग टू रेन सून, कि जल्द ही बारिश हो रही है, हुई अभी नहीं है लेकिन सून यानी कि आगे फ्यूचर में प्रिडिक्ट किया जा रहा है इसको। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, व्हाट इज द वेदर गोइंग टू बी लाइक, तो अभी देखें कि प्रिडिक्शन है गोइंग टू को यूज करते हुए। नाउ यूज ऑफ विल, शैल, वैसे तो आपको पता है कि
फ्यूचर टेंस में हम विल और शैल यूज करते हैं. फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर, फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर, कि फ्यूचर में यानी कि आने वाले वक्त के बारे में हम कुछ मालूमात या इन्फॉर्मेशन देने के लिए विल को यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डस्टी, क्लोज योर विंडो, कि गर्दोगुबार होने वाला है तो अपनी खिड़की को जो है वो बंद कर लें. ठीक है, फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है. नेक्स्ट इज फॉर प्रिडिक्टिंग व्हाट वी थिंक और गेस विल हैपन. विल शैल को हम प्रिडिक्शन के लिए भी यूज करते हैं और कोई गेस लगाने के लिए कि ये भी हो सकता है या ये होगा या ऐसा होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वी विल हैव अ ग्रेट टाइम, कि हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा. इसमें भी हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं या गेस कर रहे हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर आस्किंग और सजेशन, सजेशन लेने के लिए भी हम शैल को यूज करते हैं, विल को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट शैल आई ब्रिंग विद मी, कि मुझे अपने साथ क्या लाना होगा, कि मैं क्या अपने साथ लेकर आऊं. फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल का टेंस जो है उसका यूज क्या है, कि टाइम टेबल्स और शेड्यूल्स के लिए हम इस टेंस को यूज करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको समझना, क्योंकि इन्हीं टेंसेस से रिलेटेड हमारे पास आगे एक एक्टिविटी है रिपोर्ट राइटिंग की. इन टेंसेस को यूज करते हुए हमने रिपोर्ट राइटिंग भी करनी है. जी, प्रेजेंट सिंपल में क्या है, टाइम टेबल्स एंड शेड्यूल्स. फॉर एग्जाम्पल, आई लीव ऑन वेनसडे, की मैं वेनसडे को छुट्टी करता हूँ या छुट्टी करती हूँ. तो ये यानी कि वेनसडे की जो छुट्टी है वो उसके या तो शेड्यूल में है, उसने शेड्यूल की हुई है, या उसके टाइम टेबल में ही ऑलरेडी छुट्टी है. ठीक है, उसकी ड्यूटी में या उसकी रूटीन में. नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस. फ्यूचर कंटिन्यूअस सेइंग दैट समथिंग विल बी इन प्रोग्रेस एट द टाइम इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में यानी कि आने वाले वक्त में किसी काम का जारी होना, कि आने वाले वक्त में कोई काम हो रहा है उसको ये शो करता है. फॉर एग्जाम्पल, वी विल बी ड्राइविंग टू लाहौर सून. इसमें हम विल के बाद बी का भी इस्तेमाल करेंगे, विल बी यूज करेंगे. सिंपल में, सिंपल फ्यूचर में तो विल शैल का हमने यूज किया, लेकिन कंटिन्यूस में, फ्यूचर कंटिन्यूस में हम बी यूज करेंगे. और फिर इस तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, वी विल बी ड्राइविंग टू लाहौर सून, कि जल्द ही मैं लाहौर की तरफ सफर कर रहा हूँगा. यानी फ्यूचर में एक कंटिन्यूस वर्क का जो है वो मेंशन किया गया है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सच एज गोइंग टू, विल एंड शैल. ए, देयर विल बी हैवी स्नो टुमारो, विल आएगा यहाँ पे. बी, इट विल बी विंडी ऑल डे, यहाँ पे भी विल यूज करेंगे. सी, आई एम, ये सेंटेंसेस सारे फ्यूचर को ही एक्सप्रेस कर रहे हैं. आप यहाँ पे देखें, आई एम, एम तो जो है वो कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मैंने आपको भी बताया कि गोइंग टू को इस्तेमाल करते हुए हम फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू द ऑफिस आफ्टर द रेन. डी, विल वी स्टे इनडोर्स. ई, द सन विल राइज टूडे, यहाँ पे भी आप विल यूज करेंगे. एफ है हमारे पास, वॉट विल आई एक्सपेक्ट ऑन मंडे. जी, देयर विल बी लाइट शॉवर्स टूमोरो, ये भी देखें फ्यूचर में प्रेडिक्शन की जा रही है. एच, इट विल बी डस्टी, क्लोज योर विंडो, ये भी गेस किया जा रहा है, प्रेडिक्शन है. आई, आई में है जी, आई विल बुक यू, आई विल बुक यू द टिकट, मैं तुम्हें टिकट खरीद दूंगा या ले दूंगा या तुम्हारा टिकट जो है वो बुक कर लूंगा. जे में देखें, व्हेन विल आई शो अप, यहाँ पे भी विल यूज होगा. के, देयर विल बी मिक्स्ड रेन इन द इवनिंग, अगेन प्रेडिक्शन है फ्यूचर के बारे में. L, I will be going to miss the snow. यहाँ going to use करेंगे. M, the temperature will be hot today. Prediction. ये sentences गौर से देखें, क्योंकि इन्हीं इसी तरह के sentences use करते हुए आपने आगे report writing भी करनी है. N, will I offer you hot drink to warm you? Now, activity 3, match the statements with the answers using the present continuous tense. I do not understand will be matched. Shall I spell my surname once again? Next is, she is sad. Don't worry, I will speak to your friend. Iske saath match karenge. Number 3, I have a headache will be matched with, shall I get you some medicine? Next is, I'm hungry will be matched
I will make some sandwiches for you. Next one, I'm feeling cold. Shall I prepare the hot water? Last one is, I want to have a new bag. I will buy a new one. Now, fourth activity, rewrite each phrase as a contractions. Contractions mein har phrase ko likhna hai. Phrase kya hai? Group of words. Theek hai? Aur contractions kya hai? A contraction is a word made by shortening and combining two words using the apostrophe. Hamare paas, dekhe, contraction kya hai? Short words hai. वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाना जिसमें हम अपोस्ट्रोफी की यूज करते हैं. अपोस्ट्रोफी यानी ऊपर की तरफ कॉमा. जैसे कि शी इस को हमने शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा? शी लिखा, इस को हमने ओमिट किया, इसकी जगह हमने अपोस्ट्रोफी यूज किया और फिर एस और इसको पढ़ेंगे शीज. नेक्स्ट इज आई विल. आई विल की कॉन्ट्रेक्शन अगर आपको पेपर में आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे? आई और वी और आई को W और I को ओमिट करके आप अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे और फिर डबल L और इसको पढ़ेंगे आइल. नेक्स्ट इज शुड नॉट. शुड कंप्लीट लिखेंगे, नॉट में O को ओमिट करके अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे तो इसको बोलेंगे हम ऐसे शुडंट. नेक्स्ट इज वुड नॉट. वुड के कंप्लीट स्पेलिंग्स होंगे अगेन ऊपर की तरह, नॉट का ओ ओमिट करेंगे और उसकी जगह अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे और ये हमारे पास कॉन्ट्रेक्शन है वुडंट. नेक्स्ट इज नॉट. अगेन नॉट में ओ को ओमिट करेंगे, उसकी जगह अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे और हमारे पास कॉन्ट्रेक्शन बन गई इजंट. नेक्स्ट इज दे आर देयर. देखें आर को ओमिट कर दिया, जो हम ओमिट करेंगे उसकी जगह हमने जो भी लेटर ओमिट करेंगे उसकी जगह हमने अपोस्ट्रोफी यूज करनी है ऊपर की तरफ कोमा. यू आर की देखिए कॉन्ट्रेक्शन है योर. ही विल हील. दे आर देयर. Will not want, should have, we will, will. Now move on page 80, creative writing. Prepare a weather report using the present continuous tense and collocation words. Choose an area in your city and write the weather forecast of the area. Use the following language hints while writing the weather report. कह रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज करते हुए आपने एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है और कॉलोकेशन वर्ड्स भी यूज करने हैं. रिपोर्ट राइटिंग आप पहले भी कर चुके हैं कि कुछ भी कोई इवेंट है या कुछ भी हुआ है उसके बारे में आपने बताना है. ठीक है आप. और कह रहे हैं कि चूज एन एरिया इन योर सिटी. अपनी सिटी का कोई एरिया चूज करें और उसका जो वेदर फोरकास्ट है उस एरिया का उसके बारे में आपने लिखना है. और कुछ हिंट्स भी हमारे पास गिवन है जैसे कि रेनी, विंडी, क्लाउडी, सनी, फ्रॉस्टी, स्नोई, क्लियर, स्टॉर्मी, लो, वेट, हाई, मोस्टली, ओकेजनल, आइसी, हैवी, स्ट्रॉन्ग, टेम्परेचर, ह्यूमिड एक्सेट्रा. जरूरी नहीं के सारे वर्ड्स ही आप यूज करें. इन वर्ड्स में से कुछ जो कि आपके एरिया के अकॉर्डिंग हैं, जब आपका आप बताएंगे कि फोरकास्ट आपके एरिया का कैसा है तो उसमें जो यूज होंगे वो आपने यूज करने हैं. तो स्टूडेंट्स मैं आपको दो रिपोर्ट्स लिखकर बताऊंगी, इनमें से जो भी आपको पसंद है आप लिख लीजिएगा. फर्स्ट वन इज आई एम राबिया, वेलकम टू द वेदर फोरकास्ट. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द वेदर इज लाइक टुडे इन रावलपिंडी. इट इज वेरी विंडी एंड कोल्ड. देयर इज अ चांस ऑफ सम रेन टू, सो डोंट लीव होम विदाउट योर अम्ब्रेला. नाउ नेक्स्ट रिपोर्ट इज आई एम राबिया, वेलकम टू वेदर फोरकास्ट. नाउ लेट्स सी What is the weather is like today in Islamabad? It's rainy all day today. I am afraid there may be a thunderstorm in the afternoon. In some areas of the city, the weather is dry but cloudy. So no rain for you in some areas. But it is quite windy. Thank you.